यहाँ पर बैठे हैं आईआईटी एनआईटी से पास शिक्षक। अगर ऐसे ही देश के 1500 आईआईटी सड़कों पर होंगे अपने देश वापस चले जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं साक्षी पांडे। मेरे पीछे ये जो लोग आपको बैठे हुए दिख रहे हैं ये कोई आमजन मजदूर नहीं है जो रोज़मर्रा के रोज़गार के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए ये धरने पे नहीं बैठे हैं कि रोज़गार इन्हें नहीं मिल रहा, बल्कि आपको बता दें ये अच्छे खासे इंस्टीट्यूशन आईआईटी एनआईटी से पढ़े हुए अच्छे खासे शिक्षक आज सड़क पर बेरोज़गार बैठे हैं। आइए सीधा इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। मैडम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे प्रोग्राम का ऐलान किया, उसके बाद से क्या क्या चीज़ें बदली? 3 साल आप लोगों का कार्यकाल रहा, उसके बाद से क्या चीज़ें बदली हैं? बहुत कुछ चेंजेस आए हैं। जिस इंस्टीट्यूशंस में हम गए हैं वहाँ पे बहुत चेंज आया है। हम जैसे कि आईआईटी एनआईटी से पास आउट्स हैं, तो आईआईटी एनआईटी में जैसा माहौल रहता है, जैसा रिसर्च कल्चर रहता है, जैसे पढ़ाई के लिए कल्चर रहता है, जैसे ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए जो फोकस रहते हैं स्टूडेंट्स, जो टेक्निकल का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम होता है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमने जो आईआईटी एनआईटी का कल्चर था वो उस इंस्टीट्यूट्स में कल्टीवेट किया है। और वहाँ के बच्चे जो पहले डरते थे गेट का एग्ज़ाम इवन देने से, अब वो गेट क्वालिफाई करके इसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में अपनी मास्टर्स डिग्री या पीएचडी डिग्री परस्यू कर पा रहे हैं। साथ ही इन इंस्टीट्यूट्स में एनबीए का एक्रेडिशन हुआ है, जो कि बहुत अच्छा मानक होता है इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए। और इस तरह से बहुत सारे नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, लैब डेवलप्स हुए हैं, टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुआ है। साथ ही बच्चों ने फ्यूचर स्किल्स जो है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, इन सारे पर भी कोर्सेस किए हुए हैं नैसकॉम के थ्रू। तो बहुत चेंज आया है, एक ड्रास्टिक चेंज आया है, जो बहुत सिचुएशन, जो इंजीनियरिंग का जो करिश्मा जो डाउन जा रहा था उस पर एक बहुत चेंज आया है, बहुत अपलिफ्टमेंट हुआ है। और ये सब वट एवर आई एम सेइंग, ये सारा कुछ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स में, नीति आयोग की रिपोर्ट्स थी टेक की फैकल्टीज़ में, उसमें भी मेंशन है। एंड द टॉप नॉच एजुकेशनिस्ट वो सारे टेक की फैकल्टीज़ का तारीफ़ करते हैं और वो कहते हैं कि दे हैव ब्रॉट दिस यंग डायनेमिक फैकल्टीज़ हैव ब्रॉट अ लॉट ऑफ चेंजेस इन दिस इंस्टीट्यूशंस एंड दे आर नाउ द बैकबोन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस। आगे के लिए क्या सोचा हुआ है आपने? देखिए, मेरा नाम आनंद चतुर्वेदी है, मैं KNIT सुल्तानपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि टेक्की प्रोजेक्ट्स क्या है, हम लोगों की मांग है कि जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक ज्ञापन हस्ताक्षरित था कि एक MOU साइन था कि इनको पोस्ट प्रोजेक्ट पीरियड इनको रिटेन किया जाएगा या एब्जॉर्ब किया जाएगा, तो हमारी मांग है कि उस पर संज्ञान लिया जाए और हमको नियमित किया जाए। और क्योंकि इस प्रोजेक्ट के दौरान हम लोगों ने बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली है, हमारे पीछे करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, हमने करोड़ों की मशीनें मंगाई है जिनका कि एक्सपर्टीज़ हमारे पास है, और अभी हमारे जाने के बाद वो सब सारी चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी। तो हमारी जो भी, और इसमें जितने भी निर्णायक पद पे लोग हैं, हम लोगों की बात सबसे हो रही है, सब ये मान रहे हैं, और भारत सरकार की जो भी क्वालिटी मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं सब ये बता रहे हैं कि ये अच्छे लोग हैं, और इनके दौरान जो भी प्रोजेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव थे वो ना ही अचीव हुए हैं बल्कि एक्सीड हुए हैं। तो हमारी डिमांड है, और स्पेशली हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करते हैं, जो कि खुद एक दूरगामी प्रवृत्ति के नेता हैं, और जिनका मकसद ये हो ही नहीं सकता कि क्वालिटी को जो है 3 सालों के लिए बढ़ाया जाए, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का इम्प्रूवमेंट एक अनवरत प्रक्रिया है, ये कोई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट नहीं है कि 3 साल में जो है इंजीनियरों को हायर करो और उसके बाद फायर करो। तो देख रहे हैं आप जिस तरह से बेरोजगारी की तलवार इस समय इन लोगों पर लटक रही है, आईटी एनआईटी जैसे अच्छे बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े कॉलेजेस से पढ़कर ये लोग इस तरह से यहाँ बैठे हुए हैं। आपका क्या कहना है, आपका नाम क्या है, कौन से कॉलेज से हैं? जी मैम, मेरा नाम नागेंद्र कुशवाहा है और मैं NIT इलाहाबाद से पास आउट हूँ, और 10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा। और हम लोगों ने सारे जो टेक्यूब टीचर्स हैं NIT में से और IIT से पढ़े हुए हैं, और साथ में इन्होंने जहाँ भी ये अपॉइंटेड है सब ने मिल के कॉलेज के अच्छे के लिए बहुत अच्छा काम किया है। और जैसा सर ने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और वर्ल्ड बैंक ने भी इस चीज़ को अप्रिसिएट किया है कि बहुत अच्छा काम किया है हम लोगों ने। अब आफ्टर पोस्ट प्रोजेक्ट, जैसे आप जानते हैं कि
एजुकेशन एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रक्रिया है, तो आप इसको एजुकेशन को केवल 3 साल के इम्प्रूव करके और फिर कॉन्ट्रेक्चुअल या गेस्ट लेक्चरर के भरोसे नहीं छोड़ सकते। और हम लोगों ने जैसा सर ने बताया अभी कि हम लोगों ने हमारे ऊपर बहुत सारे ट्रेनिंग पे पैसे खर्च हुए हैं, बहुत सारे स्किल्स हम लोगों ने सीखी है पर्सनली, कहीं अलग अलग जगह जाके IITs में जाके दोबारा तिवारा, और अब लोग हम लोगों ने फ्यूचर स्किल्स के कोर्सेज भी हम लोगों ने सीखे हैं और उसमें ट्रेनिंग भी स्टार्ट करने वाले थे, और उस टाइम पे हम लोगों को अब ये यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। तो अगर हमारे हम सब की यही रिक्वेस्ट है आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, कि इस मामले को लटकाने के बजाय जल्दी से इस पर संज्ञान लें, कार्रवाई करें, ताकि हम लोग वापस अपने कार्यस्थल पर जाएं और फिर अपने जोश खरोश से अच्छा काम करें। आपको बता दें 30 सितंबर आखिरी तारीख बताई जा रही है, 30 सितंबर आखिरी दिन है, उससे पहले पहले सरकार को, शिक्षा मंत्री को कोई एक फैसला लेना होगा, तो इस पे क्या है, 30 सितंबर के बाद आपने क्या सोचा हुआ है? अभी तो बात का कुछ नहीं सोचा है, अभी हम यहाँ बैठे हैं क्योंकि हमें उम्मीद है कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। धर्मेंद्र प्रधान जी से हमारी मुलाकात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमसे जो हो सकता है बंद पड़ रहा है हम कर रहे हैं, उन्होंने लेटर्स भी लिखे हैं स्टेट को, और स्टेट क्योंकि रिस्पांस नहीं कर रही है इसलिए हमारी बात आगे नहीं बढ़ रही है, तो हम क्योंकि उस उम्मीद में है इसलिए हम बैठे हैं। अभी हम 30 के बाद कुछ भी नहीं सोच रहे हैं कि हमारा हमें क्या करना है। आई होप कि हम वापस अपने कॉलेज जाएं जहां पे हमारे स्टूडेंट्स के साथ हम जुड़े हुए हैं, उनका रिसर्च अभी रुका हुआ है, और जो भी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं, हम चले जाएंगे तो फिर वो प्रोजेक्ट जो है आई डोंट नो क्या होगा उनके साथ, तो बस यही उम्मीद है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से ये सारे शिक्षक यही कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री से हमारी यही अपील है कि जल्द से जल्द इनकी जो भी इनकी रिक्वेस्ट है वो जल्द से जल्द एक्सेप्ट कर ली जाए, वापस से ये अपने कॉलेज जाएं, वापस से जो भी इनकी रिसर्च चल रही है, जो भी वहाँ पे इनके विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे हैं इनका कि वापस से ये पढ़ाना शुरू करें और वापस से एक बार फिर से अपने ये रोज़गार पर वापस लौट जाए, यही इनकी आस है कि 30 सितंबर से पहले या 30 सितंबर तक इनको एक अच्छा निर्णय पे सरकार पहुंच जाए। मैम आप क्या कहना चाहती हैं, जिस तरह से 30 सितंबर आखिरी तारीख बताई जा रही है, आपका क्या कहना है, क्या अपील है आपकी शिक्षा मंत्री से, क्या अपील है केंद्र सरकार से आपकी? मेरा बस यही कहना है, हमने अपने करियर के 3 साल 9 महीने बहुत महत्वपूर्ण साल दिए हैं और यहाँ पे हमने बहुत दिल से काम किया है, अपनी सारी पूरी मेहनत की है, हमारा काम को सराहा गया है। अब हम लोग एमटेक, बहुत सारे एमटेक भी है जिनकी अब क्राइटेरिया हो गया UGC के, अगर आप PhD नहीं हो तो आप टीचिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इतना बेहतरीन काम करने के बाद अगर हमें इसी मोड पे छोड़ दिया जाए तब तो कोई भरोसा नहीं करेगा इस टाइप के प्रोजेक्ट में ज्वाइन करने के लिए। तो हमारी यही अपील है, हमारे लिए कुछ सोचा जाए, हमने अपने जो महत्वपूर्ण काम के लिए हमने योगदान दिया, हमने अच्छा काम किया, बहुत अब हमें सराहा गया, इसके बाद अगर हमें इस मोड पर छोड़ दिया जाए तब तो ये बहुत दुख की बात है। तो अब देख सकते हैं जिस दौरान हम, आपका नाम क्या है? विजयलक्ष्मी साहू। जिस तरह से हम इनसे बात कर रहे थे रोजगार के मुद्दे पे, हम इनसे बात कर रहे थे, इनकी आंखों में आप आंसू देख सकते हैं, साफ साफ आप आंसू देख सकते हैं, जिस तरह से ये रोजगार के बारे में बात कर रही थी, आखिरी तारीख के बारे में जिस तरह से बात हो रही थी, बात करते करते इनके आंखों में आंसू आ गए। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है हमारे देश के IT NIT टेक्निकल, जिस तरह से ग्रेजुएट्स इस तरह से सड़क पे बैठे हुए धरना दे रहे हैं और सरकार को इस पे कोई निर्णय जल्द से जल्द लेना ही होगा। जिस तरह एक तरफ मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, जब बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, जब बात करते हैं कि सब कुछ डिजिटल करना है इंडिया में, वहाँ इस तरह से हज़ारों की तादाद में जो इंजीनियर्स हैं वो बैठकर इस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं मैम आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पे और आगे के लिए क्या सोचा हुआ है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, और कितनी उम्मीद है सरकार से कि इस मामले पर कोई ना कोई निर्णय ज़रूर लिया जाएगा? हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारे बारे में ज़रूर कोई निश्चित प्लान बनाएगी और उसको पालन करेगी, पर ये पिछले 2 बार से हम 6-6 महीने की हमें कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल दी जा रही है, तो बस हमारे साथियों की दरख्वास्त ये है कि इस बार कुछ निश्चित प्लान किए जाए। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट बॉडी जैसे कि नीति आयोग है, वो भी, उन्होंने भी इनकी समीक्षा की थी और उन्होंने पाया था कि जिस तरह से सारे राज्यों में करीब 50% की जो टीचर्स की वैकेंसी, टीचर्स की रिक्तियां खाली पड़ी, मतलब रिक्तियां पड़ी हुई हैं, तो उनमें हमें जब लाया गया था तो हम उन्हीं रिक्त पदों पर आए थे,
तो अगर हम अचानक से सिस्टम से बाहर जाते हैं तो 50% की रिक्तियाँ उपलब्ध है सिस्टम में, तो हमारे छात्रों की जो फ्यूचर है वो उन पर काफ़ी ही प्रतिकूल असर पड़ेगा। और जैसा कि आप सब हम सभी IITs एंड NITs के ग्रेजुएट्स हैं या अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड डॉक्टरेट है, तो जिस तरह की गेट परीक्षा के लिए हम उन पर कहते हैं कि आप गेट की परीक्षा दो ताकि उनके थ्रू आप PSUs या अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आप आगे की उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हो, पर आप देख सकते हो कि हमारा भविष्य उस गेट को देने के बावजूद भी अनिश्चित है। तो हम कैसे सरकार की इस परियोजना को लागू करवाएं कि आप उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हो, जब खुद उच्च शिक्षा प्राप्त कर करके हमारी स्थिति अनुकूल नहीं है। हम अभी सिचुएशन में है कि जो नियमितीकरण की बात हो रही है वो नियमितीकरण भी नहीं हो रही है। सर, आप बाहर नौकरी कर रहे थे, यहाँ वापस भारत आने का क्या मोटिव था? प्रधानमंत्री जी का एक एम था कि जो बाहर रह रहे हैं भारतीय और काम कर रहे हैं वो अपने देश में आके काम करें। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हम वहाँ से नौकरी छोड़ के जब इस परियोजना में हमारा सिलेक्शन हुआ तो हमें लगा कि अपने देश वापस चलना चाहिए। आपको पूरी उम्मीद थी कि ये जो परियोजना है, ये जो प्रोग्राम है जो केंद्र सरकार द्वारा ये निकाला गया, ये TEQIP है, ये अच्छी तरह से सक्सेसफुल होगा, तब आपने वहाँ पर छोड़ा, क्या आश्वासन था? आश्वासन यही था, PIP में लिखा हुआ था कि इनको जो है स्टेट यूनिवर्सिटी या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा कोई भी पॉलिसी लाके हमें लॉन्ग टाइम सलूशन देंगे, लेकिन अब ऐसा होता दिख नहीं रहा। जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, जिस तरह से आप कह रहे हैं लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की बात हो रही है, लेकिन इस समय जो मौजूदा हालात हैं, इस समय कोई आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन दिख रहा है या कोई फ़ायदा दिख रहा है आपको इस समय कि आप बाहर से नौकरी छोड़ के यहाँ भारत आ पाए, भारत में आप काम कर रहे थे? हाँ, अब इस स्थिति को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि हम वहाँ ही बेहतर थे, हम वहाँ नहीं छोड़ते तो हम आज भी वहाँ होते और हमारी नौकरी चल ही रही होती। बिल्कुल सही बात है, अगर ये वहाँ से अपनी नौकरी नहीं छोड़ते, इस प्रोग्राम के लिए भारत नहीं आते, तो इनकी वहाँ नौकरी चल रही होती, एक सुरक्षित नौकरी पे ये होते और इस तरह यहाँ सड़क पे बैठ के धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे होते। देखिए, इसमें ये बहुत बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, क्योंकि जितने भी इसमें लोग हैं, इस जॉब में जब नहीं थे तो बेरोजगार नहीं थे। मैं खुद लंदन बेस्ड MNC में WS एटकिंस में हाईवे डिज़ाइन इंजीनियर था, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के आसपास के कई सारे रोड हमने डिज़ाइन किए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी ने इस प्रोजेक्ट का जिक्र संसद में भी किया था कि हमने लो इनकम स्टेट्स में इतने हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर्स को भेजा है कि जल्द से जल्द सिद्धा में सुधार होगा। तो इसको देखते हुए, और मैं खुद IIT खड़गपुर से पढ़ा हूँ और हमारे जो IITs के प्रोफेसर थे जब हम उनके स्टूडेंट थे, वो भी हमें प्रेरित किए कि एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और देश सेवा के लिए भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा कि आप जो है अच्छे पैकेज के साथ साथ जो है लो इनकम स्टेट्स के सुदूर क्षेत्रों में जाके एकेडमिकली वीक कॉलेजों की आप इम्प्रूवमेंट करें। तो इस उद्देश्य से हम लोग आए। अभी आप समझिए कि हमारे साथ के हमारे कलीग्स, हमारे जूनियर्स, अभी कोई SNC लेवलिन कनाडा में है, कोई लंदन में है, लेकिन हम इस प्रोजेक्ट में एक दूरगामी फ्यूचर देख कर आए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन सरकार की तरफ से था कि MOU हुआ है तो आगे इसका जो है चलता रहेगा। लेकिन अभी स्थिति ये है कि हम लोग एक ठगासा महसूस कर रहे हैं, और आपको बताऊं इसमें से कितने लोग ओवर एज हो रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एज है उसको, वो चूंकि इस प्रोजेक्ट में रहते हुए उन्होंने अपना सेवा दिया, अभी वो ओवर एज हो गए हैं, कहीं और को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि इसमें फ्यूचर है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ी जो है हम लोगों को एक सलूशन मिलना चाहिए और सरकार को एक बहुत ही प्राथमिकता के साथ इस पे विचार करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा में इम्प्रूवमेंट एक बहुत अनवरत प्रोसेस है और बहुत संगीन मुद्दा है। अगर ऐसे ही देश के 1500 IITians सड़कों पर होंगे तो इससे हमारे स्टूडेंट जो हमसे हमारे साथ लाखों स्टूडेंट जुड़े हैं और उनके साथ उनकी फैमिली, हमारे साथ हमारी फैमिली जुड़ी है, लोगों में एक बहुत ही बड़ा हतोत्साहन होगा। और ये सरकार को सोचना चाहिए और माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस पर विचार करें और जल्द से जल्द प्रोजेक्ट समाप्ति से पहले निर्णय दें।
बिल्कुल सही बात है, जिस तरह से इन्होंने बताया कि बेरोजगार नहीं है ये लोग, सही बात है, देश के आईटीएंस और एनआईटीएंस हैं ये लोग कैसे बेरोजगार हो सकते हैं, ये लोग इतनी इन्होंने पढ़ाई करी है, इतनी मेहनत करी है, तो इनको तो रोजगार मिलना इनका हक है जी। आप पूरा मुद्दा ये जो यहाँ चल रहा है क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? मेरा नाम है डॉक्टर विप्लव गोस्वामी, मैं गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बिहार में टीक्यू फैकल्टी हूँ। इससे पहले मैं हेलमोट इंस्टीट्यूट जेना जर्मनी में पोस्ट डॉक कर रहा था। जब ये वाला प्रोजेक्ट आया तो मुझे लगा मैं देश के लिए कुछ कर सकूं और ऐसा स्टेट में जा सकूं जो पिछड़ा हुआ है, तो उस जो मैं पोस्ट डॉक पोजीशन में था जर्मनी में उसको छोड़ के मैं 2018 जनवरी में ज्वाइन किया। उसके बाद और भी जो पोजीशंस होते हैं, जैसे ये जो कॉलेज है जो टीक्यू में इंक्लूड किया गया है, इसमें कभी भी प्लेसमेंट नहीं होता था, तो उसमें जो है मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर के रूप में भी काम कर रहा हूँ एडिशनली। और अभी जहाँ पे कभी भी मतलब कोई कंपनी नहीं आता था उस कॉलेज में अभी HCL, कॉग्निजेंट ये सब कंपनी से प्लेसमेंट हो रहा है। तो ऐसे कई अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिन्हें अलग अलग देश के दुनिया के कोनों पर नौकरी मिल रही थी, अलग अलग विदेश में अलग अलग जगह पोस्टेड थे, अच्छी सैलरी पे पोस्टेड थे। तो आइए जानते हैं इस पूरे मामले पे क्या कहेंगे आप। हेलो, मेरा नाम सोमनाथ गिरी है, मैं IIT कानपुर से PhD किया हूँ और साउथ अफ्रीका से मैं पोस्ट डॉक कर रहा था। सो उधर भी जॉब मिल रहा था, लेकिन मैं मोदी जी के विजन और मिशन का वजह से मैं ये जॉब पकड़ा था और इंडिया में रिसर्च कर सकूँ और स्टूडेंट को पढ़ा सकता, तो इसीलिए मैं जॉब छोड़ के इंडिया में आया हूँ। मेरा फैमिली भी इंडिया में है, लेकिन अभी मैं माननीय मोदी से रिक्वेस्ट करता हूँ जो हमारा जैसा IIT NIT IITians को थोड़ा रिटेन करें हमारा जॉब, तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ। आपको बता दें यहाँ जितने भी प्रोफेसर्स मौजूद हैं इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव लिया है, आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं इस इनिशिएटिव के बारे में। मैम पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोई टीचर है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा जम्मू एंड कश्मीर में काम कर रहा हूँ। तो इसके लिए हमने एक लास्ट ईयर से ही कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम ऑफ आवर कंट्री हैज़ बीन शिफ्टेड फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन मोड। तो उससे पहले क्या होता था कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत गेट की क्लासेस कराई जाती थी, वो किसी थर्ड पार्टी को मिलती थी, तो जब से ऑनलाइन सिस्टम हुआ है तब से वो क्लासेस हो नहीं पा रही थी। तो हमने सोचा कि टेक्यू फैकल्टीज़ ने मिलकर सभी ने हमने फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब ये जो गेट क्लासेज हैं स्टूडेंट के लिए ऑर्गेनाइज कराना स्टार्ट की हैं और अभी तक 21,000 सब्सक्राइबर्स मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग इसका एक्सेस कर पा रहे हैं। अभी तक हमने 6 सब्जेक्ट्स के लिए ये क्लासेस स्टार्ट की हैं और अगर ये कंटिन्यू रहता है प्रोजेक्ट तो विल गो फॉर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। तो ये बात हो गई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, अब बात करते हैं, अब मुद्दे पे आते हैं कि शिक्षा मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनसे आपकी क्या उम्मीदें हैं, उनसे बातचीत के बाद से आपको क्या लग रहा है, उन्होंने जो आश्वासन दिया है उसके बाद से आपको क्या लग रहा है इस पूरे मामले पे? मैम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पे हमारी उनसे मुलाकात हुई थी AICT में, तो उन्होंने कहा था कि मैं राज्य के मुख्यमंत्रियों से आपके बारे में चर्चा करूँगा, क्योंकि जितना भी फंड्स था इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो सेंट्रल गवर्नमेंट को अलोकेट हुआ था वर्ल्ड बैंक के थ्रू तो वो एग्जॉस्ट हो चुका है, नाउ इट्स स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो इसमें मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूँ कि हम इसमें टोटल 10 राज्य हैं और 2 यूनियन टेरेटरीज़ हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए तो शिक्षा मंत्री जी को चीफ मिनिस्टर से बात करनी है, लेकिन यूनियन टेरेटरी की अगर हम कहें तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को किससे बात करनी है, हमारा सिर्फ यही पूछना है सर से। तो एक आखिरी बार जान लेते हैं इनकी क्या अपील है सरकार से, क्या ये केंद्र सरकार से, क्या शिक्षा मंत्री से इनकी एक अपील है, एक एक लाइन में सबसे हम जानकारी लेते हैं। हम माननीय शिक्षा मंत्री जी और नरेंद्र मोदी से यही चाहते हैं कि जो MOU साइन किया गया था स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में उसको इम्प्लीमेंट कराया जाए और बस यही चाहते हैं। मैम मेरा कहना ये है कि स्टेट ये ना बोले कि सेंटर की है और सेंटर ये ना बोले स्टेट की है, स्टेट और सेंटर कुल मिलके एक कॉमन स्कीम बनाए जिससे हमारा सस्टेनेबिलिटी प्लान बना सके।
बिल्कुल, इनका ये कहना है कि जिस तरह से सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक दूसरे को ब्लेम गेम खेलती है, वो ना खेला जाए। बच्चे जो भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आप उनको अच्छे शिक्षक देना आपकी जिम्मेदारी है। आप केवल कॉलेज खोल के ना सोचे कि बच्चा पढ़ाई कर लेगा। जितनी सीट उस कॉलेज में बनती है फैकल्टी की, उतना फैकल्टी वहाँ होना अनिवार्य करें, तभी बच्चे वहाँ पर जाएँ। मेरा ये कहना है कि जो भी MOU साइन किया गया है केंद्र और राज्य के बीच में, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। मेरा एजुकेशन मिनिस्टर से यही कहना है कि हमने अपना बेस्ट दिया है, आज उनकी बारी है, वो अपना हमें इस चीज़ का रिवॉर्ड दें कि हमें रेगुलराइज करें, जो हमारे साथ प्रॉमिस किया गया था। मेरा कहना है मैम कि जो IITian NITian यहाँ रोड पे बैठे हैं, उससे जो एक गलत मैसेज जा रहा है हायर एजुकेशन के बारे में और IITian के बारे में, उस परसेप्शन को ख़राब होने से बचाया जाए। जिस जहाँ देश में ये माना जाता है कि ये IITian देश का भविष्य है, तो उस परसेप्शन को ख़राब होने से बचाया जाए। बिल्कुल, मेरा कहना है कि जो भी MOU साइन हुआ था सेंटर और स्टेट के बीच, उसके तहत हम लोगों का समायोजन किया जाए, क्योंकि ये IITian NITian अगर ऐसे घूमते रहेंगे तो ये भी एक IIT NIT के एम्प्लॉयबिलिटी पे बहुत बड़ा कलंक होगा। और हम बहुत जितना भी हम लोगों ने शिक्षा ली है और उसके बाद इस प्रोजेक्ट के दौरान जो हमारी ट्रेनिंग हुई है, तो सब में अच्छी खासी कौशल और प्रतिभा भरी हुई है, इसका इस्तेमाल किया जाए और देश का विकास किया जाए। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि आज के हमने 3.5 साल पहले जो एक स्टार्ट किया था और उस लेवल तक पहुँचा दिया है कि वहाँ पर अब सस्टेन करना, और स्टूडेंट के एजुकेशन को हमने बहुत हायर किया है, उसको मेंटेन करने की कोशिश करें। अगर हमें रेगुलराइज करेंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज आज हम फिर से वही सिचुएशन में आने वाले हैं जो आज के 3.5 साल पहले अदर इंस्टीट्यूशन में थी। थैंक यू मैम। जो स्टूडेंट्स हमसे अभी शिक्षा प्राप्त की जिन लोगों ने, तो उनका ये नैतिक हक है कि उन्हें आगे भी वो अच्छी शिक्षा मिलती रहे। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का विज़न था कि हम उन 12 राज्यों में जाएं जहाँ तकनीकी शिक्षा अच्छी नहीं है, उसकी शिक्षण गुणवत्ता को अच्छा करें, तो क्या अब उन 3 साल के बाद जो वो बच्चे हैं उनका वो नैतिक हक ख़त्म हो चुका है? तो हम सरकार से बस हमारी यही अपील है कि सरकार के जो और प्रोजेक्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी सरकार का एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है मेरिट, उसमें आप हमको इन्वॉल्व क्यों नहीं करते हो? आपने हम लोगों को पूरे 3.5 साल अच्छी ट्रेनिंग दी है, हम इस सिस्टम से गुजर चुके हैं, और हमारा द्वारा किया हुआ कार्य, आपकी जितनी भी रिपोर्ट है, चाहे नीति आयोग की रिपोर्ट हो, चाहे एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑडिट हो, सब में रिफ्लेक्ट हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पर हमारा अप्रेजल नहीं होता, हर साल बाद हमारा अप्रेजल होता है, उस अप्रेजल के हिसाब से ही हमारा इंक्रीमेंट होता है। और अगर किसी भी शिक्षक का अप्रेजल अच्छा नहीं है तो कॉलेज के पास ये पावर थी कि वो शिक्षक को हटा सकता है, पर अभी तक ऐसा कोई भी शिक्षक नहीं है जिसको उस कॉलेज से हटाया गया है। तो बस मेरा यही कहना है कि सरकार अगर थोड़ा अपना दूरदर्शी निगाहों से हमें देखे तो वो हमारे लिए कुछ कर सकती है। तो आपने देखा कि किस तरह से ये सीधा बात कर रहे हैं कि अगर सरकार दूरदर्शी निगाहों से देखे, तो देखिए अब दूरदर्शी की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है जो फ्यूचर इंजीनियर्स हैं वो जो जब इन लोगों को देखेंगे इस तरह से रोज़गार की हक की लड़ाई लड़ते हुए, इस तरह से जो केंद्र सरकार ने अपना प्रोग्राम ये निकाला, उस तरह से उन्हें कैसे विश्वास होगा कि हमारे देश में रोज़गार की दिक्कत नहीं है, हमारे देश में इंजीनियर्स को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है? तो ये तमाम चीज़ें आपने अपने सामने देखी, ये तमाम जो लोग हैं उनकी टिप्पणी, उनकी भी बातें सुनी, और शिक्षा मंत्री से उनकी क्या उम्मीदें हैं ये भी आपने सुना। कैमरामैन सरताज के साथ साक्षी पांडे, दिल्ली, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। क्यों दिल्ली की सड़कों पर बैठे हैं IIT NIT से पास शिक्षक? अगर ऐसे ही देश के 1500 IIT सड़कों पर होंगे, अपने देश वापस चले जाएंगे।